और आपको तो पता है ना, अगर करण सर बेहोश हो गए तो माहिरा क्या क्या कर सकती है। करण सर को अपना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। दी दाल नहीं गली उसकी तो लूथरा हाउस में एंट्री मारने के लिए ऐसे चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। वो इतना गंदा प्लानिंग कर रही है, छी वाला प्लानिंग, छी वाला। कोई बात नहीं, बनाने दो उन्हें प्लान। इस बार तो हमने भी डिसाइड कर लिया, हम भी उन पर पलटकर वार करेंगे। वो माहिरा करण भाई के होश उड़ाना चाहती है ना। इनफैक्ट मैं उसे वो नशे वाली ड्रिंक पिला के उसी के होश उड़ा दूंगा। एक ड्रिंक पीते वो लड़क जाएगी भाभी, आप देखना। भाभी माहिरा छोड़ ले। हम लोग यहाँ से चलते हैं। एक मिनट, करण सर को इस प्लान से आउट रखना। हो सके तो आप भी इस प्लान से आउट ही रहना। आप है ना थोड़ी थोड़ी बातों का टेंशन मत लीजिए, आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिए, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो, तुम दोनों ने सोच लिया ना तुम्हें क्या करना है? जी आप हम दोनों का टेंशन मत लो, हम सब करण सर आ रहे। ओके चलो, बाय बाय बाय, चलो चलो। किससे बात कर रही थी? तुम भी तो किसी से बात करने गए थे ना, तो मैं भी किसी से बात कर रही थी ऐसे ही जगह के बारे में। खाना सर्व हो गया, ठंडा भी हो गया, अब खा लो। इसको ना ये सारा प्यार और अटेंशन सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो करण की वाइफ है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्लीज कॉम डाउन, गुस्सा दिखाकर कोई मतलब नहीं। और वैसे भी जो हमने आज प्लान बनाया वो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। प्लीज प्लीज मैडम, कुछ गड़बड़ हो गया तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप प्लीज ये रखिए और एक फ्रेश कॉस्ट्यूम ले आइए। प्लीज। ओके मैडम। रब्बा शुक्र है। कमाल है यार, इसने भी तुम्हारी बात मानी। मेरी बात हर कोई मानता है। पर ऐसे कैसे मान गया? ऐसे ही अपना काम भी हो जाएगा। चलो। Come on couples, please come. Dance paper आपका वेट कर रहा है। आ जाइए।